वेलकम टू माई चैनल। आज है 8th of November एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में आज उठी हूँ क्योंकि मुझे जानी है कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, जो मेरे होम टाउन में नहीं है। मुझे जाना है और एक जगह में जिसका नाम है डिब्रूगढ़, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी एंड मेरी ट्रेन है सुबह 7 बजे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ सो दैट मैं जल्दी से रेडी होके टाइम में स्टेशन पहुँच जाऊँ। एंड जिस कोर्स में मैं एडमिशन ले रही हूँ वो ऑलरेडी एक ब्लॉग में मैंने शायद बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने दिया था BEd की एंट्रेंस। तो हाँ, मैं BEd की ही एडमिशन अभी ले रही हूँ, जो 2 ईयर्स की कोर्स है। मैं और मेरी मम्मी जाने वाले हैं एडमिशन करने के लिए एंड 1 नाइट के लिए ही जा रहे हैं। 1 नाइट के बाद 1 नाइट वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा क्योंकि एडमिशन एंड ऑल की प्रोसेस में शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, तो इसीलिए उसी दिन मैं रिटर्न नहीं कर सकती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं आ जाऊँगी। तो इसीलिए एक दिन पहले ही जा रही हूँ। वैसे मेरी एडमिशन की डेट है आज 8th एंड 9th, तो आज मैं जाके एडमिशन नहीं करूँगी। आज सिर्फ कॉलेज में जाके अच्छी तरीके से उनकी सारी डिटेल्स मैं अच्छी तरीके से जान के आऊँगी एंड नेक्स्ट स्टे यानी कल को मैं एडमिशन करूँगी। सो आई डोंट नो कितना मैं व्लॉग कर सकूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि जाने के तुरंत बाद ही मुझे कॉलेज जाना है, देन नेक्स्ट डे एडमिशन भी करनी है और एक जगह है वहाँ पे भी एक कॉलेज है वहीं पे भी विजिट करनी है। तो छोटे छोटे क्लिप्स लेके जितना हो सके मैं इस व्लॉग में इंक्लूड करूँगी। अभी मुझे रेडी होना है, तो मैं रेडी होने के बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके, एंड वैसे मैंने पैकिंग एंड ऑल कल रात को ही कर ली थी एंड पैकिंग कुछ खास ऐसा किया नहीं क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा रही हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं रेडी होके निकल गई हूँ मेरे घर से एंड अभी स्टेशन के रास्ते में ही हूँ। स्टेशन में मेरे भैया भी हमें छोड़ने के लिए हमारे साथ जा रहे हैं एंड फिर वो घर आ जाएंगे। एंड अभी मैं प्लेटफॉर्म में पहुँच गई हूँ एंड ये रही हमारी ट्रेन। अभी एक नेक्स्ट स्टॉपेज में ट्रेन रुकी है एंड यहाँ पे मम्मी लेने गई है चाय, क्योंकि घर में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ पे लिया है हमने चाय एंड चाय के साथ कुछ पकौड़ा, क्योंकि थोड़ा सा भूख लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में घर से निकली हूँ। एंड वैसे मैं कुछ दिन पहले भी मेरे भैया के साथ गई थी डिब्रूगढ़, कॉलेज में ही गई थी फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड अभी इस बार इसलिए मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने कॉलेज नहीं देखा है। एक्चुअली जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली है वो कॉलेज मैंने भी नहीं देखा है। मेरे एक फ्रेंड ने उस कॉलेज में अप्लाई किया था तो उसी कॉलेज में मुझे मिली है। एंड लास्ट टाइम मैं जब डिब्रूगढ़ गई थी ना, तब मैं गई थी मेरे भैया के साथ, तो इसीलिए इस बार मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ साथ में। एंड लास्ट टाइम जब गई थी कुछ व्लॉग मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, एक दिन के लिए भी कंप्लीट मैं नहीं गई थी, आधे दिन के लिए आप कह सकते हो गई थी। एंड अभी मैं पहुंच गई हूँ डिब्रूगढ़, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी यहाँ से लेनी है ऑटो एंड यहाँ से अभी डायरेक्ट मैं जाऊँगी मौसी के घर। एंड मैंने मौसी को कॉल किया है एंड उनसे जो भी एड्रेस एंड ऑल है वो सब कुछ लिया है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मौसी के घर, मम्मी भी पहले नहीं गई है। ऑल दो क्योंकि गूगल मैप्स है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आजकल। एंड अभी मैं आई हूँ फ़िलहाल एक मिठाई की शॉप में, यहाँ से मिठाई लूँगी। एंड अभी मैं मौसी के घर आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके अभी थोड़ी टाइम के बाद मैं निकल जाऊँगी कॉलेज के लिए। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ जगन्नाथ मंदिर में, जो कि यहाँ पे ही है डिब्रूगढ़ में है। तो कॉलेज में जो भी काम था वो मैंने कर लिया, वो मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि कल मैं फिर से कॉलेज में जाऊँगी तो तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आज सिर्फ कुछ डिटेल्स मैं पूछने गई थी तो इसलिए वो पूछ के मैं यहाँ पर आ गई हूँ। वैसे यहाँ पर आने का कोई भी प्लान नहीं था बट क्योंकि कॉलेज में जो भी काम था वो थोड़ा सा जल्दी हो गया तो इसलिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं आई हूँ जगन्नाथ मंदिर में। बहुत सुना है जगन्नाथ मंदिर के बारे में, फ़ोटो भी देखा था। तो एंड मेरी जहाँ पे कॉलेज है वहाँ से ये मंदिर सामने ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो विज़िट करके ही आते हैं मंदिर में। एंड ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं गए थे, हार्डली फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट टाइम मैं मम्मी को भी साथ में लेके आऊँगी।
सो यहाँ से डायरेक्टली हम घर जा रहे थे एंड रास्ते में ही हमें एक चाट वाले भैया मिल गए एंड मैंने यहाँ की चाट बहुत ज़्यादा फेमस है, सुनी है डिब्रूगढ़ की चाट, तो मैंने सोचा कि थोड़ा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमने चाट ली है, एक्स्ट्रा चीज़ पापड़ी चाट, कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मिक्स करके ये बनाई है, जो मैंने कंप्लीट तो वीडियो नहीं की, बट एट लास्ट मैं ये वीडियो कर रही हूँ एंड पार्ट में, बट इससे भी पहले यहाँ पे बहुत सारी स्टफ्स उन्होंने दी है एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। एंड जब हमने इसे टेस्ट किया तो ट्रस्ट मी, इट वॉज रियली वेरी यम्मी। फोटो में आप देख ही सकते हो एंड ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी, आई थिंक 50 rupees की थी एक प्लेट। सो गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज क्योंकि आज करनी है एडमिशन एंड आज माँ को भी मैं साथ ले जा रही हूँ मेरे साथ कॉलेज में। एंड कॉलेज जाते समय रास्ते में जो भी यू नो वॉल थी ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इस तरीके की पेंटिंग थी, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कुछ पेंटिंग है। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कॉलेज में एंड यहाँ पे एडमिशन की जो भी प्रोसेस है वो हो रही है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं उन्हें दिखा रही हूँ एंड मेरी जो भी एंट्रेंस के रिजल्ट है उसकी ओरिजिनल जो PDF मेरे मोबाइल में है वही मैं दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी तो PDF मैं सर्च कर रही थी एंड अभी कॉलेज एंड ऑल की सारी प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर ली एंड अभी मैं आई हूँ एक शॉप में जहाँ से मुझे लेनी है एक बैग, क्योंकि जो बैग मैं घर से लाई थी ना उसकी चेन ख़राब हो गई, तो इसलिए एक न्यू बैग लेनी है। तो इस दुकान में आई हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बैग्स हैं, सो यहाँ से लेनी है ऑटो रिक्शो एंड डायरेक्टली अभी जाऊँगी मौसी के घर। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि आज ही यहाँ से हम ट्रेन में रिटर्न करेंगे घर, बट क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो तो ट्रेन नहीं मिलेगी अभी, तो इसलिए फिर से हम रिटर्न मौसी के घर ही जा रहे हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सो गाइस, आज है लास्ट डे एंड आज मुझे जाना है घर, तो इसलिए आज सुबह मैं आई हूँ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के घाट है, मौसी के घर के एकदम सामने ही है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ एंड काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा भी है एंड आज छठ पूजा भी है, तो यहाँ पे शायद ब्रह्मपुत्र घाट में अलाउ नहीं है इस बार छठ पूजा, तो इसलिए लोग अपने गली में ही घर के बाहर गेट के बाहर डेकोरेट करके छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे, तो यही थोड़ा सा हम देखने आए हैं। वैसे तो मौसी के घर के सामने ही है ब्रह्मपुत्र की घाट, बट वापस जाते समय हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम फिर के जाते हैं एंड देखते हैं कि लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे सेलिब्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुई थी, लाइक डेकोरेट कैसे कर रहे हैं, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हमेशा घाट में ही मैंने देखा है छठ पूजा, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा है कि गली में भी लोग आर्टिफिशियल काइंड ऑफ पॉन्ड बना के खुद छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये सब देख के डायरेक्टली अभी हम जा रहे हैं रिटर्न मौसी के घर, क्योंकि अभी मुझे जल्दी से जाके फ्रेश होना है, रेडी होना है, लंच करना है एंड देन निकलना भी है क्योंकि ट्रेन है 2 बजे एंड एटलीस्ट 1 बजे तो निकलना है घर से, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ एंड ये वीडियो टाइम लैप्स में है, तो इसलिए आपको सब कुछ थोड़ा सा फास्ट फास्ट दिख रही है। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ स्टेशन, अअभी बज रहे हैं दोपहर के 1:20, तो थोड़ा सा जल्दी ही आ गई हूँ क्योंकि वैसे मैं स्टेशन एंड ऑल में जल्दी आना प्रेफर करती हूँ क्योंकि लेट नहीं होना है, जल्दी आ जाओ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट लेट होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मुझे ये ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है एंड बहुत ही कम स्टॉपेज है एंड ये ट्रेन छोड़ यहाँ से डिब्रूगढ़ से थी 2 बजे एंड अराउंड 4:30 या फिर 4:40 मैं अपने होम टाउन पहुँच जाऊँगी, तो बहुत ही कम टाइम लगता है वैसे क्योंकि ये शॉर्टकट वे से जाती है एंड बाकी और भी जो ट्रेन्स हैं ना वो थोड़े से लॉन्ग कट्स होके जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं यही ट्रेन प्रिफर करती हूँ हमेशा।
एंड गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ, अभी शाम होने वाली है, आप लोग देख सकते हो सनसेट हो रही है। एंड यहाँ से अभी मैं डायरेक्टली जाऊँगी घर, लेकिन घर जाने से पहले यहाँ की जो स्टेशन की डोसा है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अच्छी लगती है, तो यहाँ से मैं लूँगी डोसा एंड डोसा लेके डायरेक्ट जाऊँगी घर। 11th of October एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, लाइक 5:35 हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ छठ पूजा देखने के लिए। सुबह जब मेरी नींद खुली ना, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुझे फिर से नींद आ रही थी। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि नहीं मैं जाऊँगी, बिकॉज इसलिए मैं रेडी हुई हूँ, मेरी मम्मी रेडी हुई है एंड अभी हम घर से निकलने वाले हैं। सो ये रास्ते में फॉग आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही फॉग है एंड अभी मुझे थोड़ा सा ठंड लग रही है। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, मैं स्वेटर एंड ऑल भी बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ। एंड अभी मैं आ गई हूँ घाट में, जहाँ पे हमारे यहाँ पे छठ पूजा हो रही है। वैसे तो बहुत जगह पर, बहुत सारे घाटों में होती है छठ पूजा, बट मुझे इस घाट की जो छठ पूजा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हर साल मैं यहीं पर आती हूँ एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप लोग देख सकते हो, बट मैं और मम्मी थोड़ी से हम लोग लेट हो गए हैं, थोड़ी से जल्दी आना चाहिए था, बट अभी ऑलरेडी 6 बजने ही वाले हैं सुबह के, तो मोस्टली पूजा एंड ऑल सब कुछ हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो हम लास्ट मोमेंट में आए हैं, बट कुछ नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, राइट। तो बस अभी यहाँ पे पूजा देख रहे हैं एंड घर आ गई हूँ एंड पूजा में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मुझे जो पूजा की जो प्रसाद है ना, जो ठेकुआ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ से मैं बहुत सारी ठेकुआ लाई हूँ घर में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। वेट तो इतनी सारी ठेकुआ मैं लाई हूँ जहाँ पे पूजा हो रही है ना वहाँ से लेके आई हूँ मैं और मेरी मम्मी। हमने सोचा नहीं था कि इतनी सारी ठेकुआ हम ला रहे हैं, बट घर आके जब मैंने देखा तो माय गॉड बहुत सारी हो गई है। बट कोई नहीं, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई कांट वेट टू टेस्ट इट, बिकॉज देखने में ही कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। सो इस व्लॉग को मैं यही पैन कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।